ఘునాథకీర్తనం తృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం. ఉదర్ కాదు చల్నే దో నామాపితే చ మధురం మధురం స్వరూపం కర్మాపితే చ మధురం మధురా స్మృతిశ్చ బుద్ధిం ప్రబోధయ ప్రభో మధుబోధశక్తిం విద్యాం ప్రయచ్చ పరమాం పరిభావయామి. కోమలం కూజయన్ వేణుం శ్యామలోయం కుమారక వేదవేద్యం పరం బ్రహ్మ భాసతాం హృదయే మమ. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం. నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం శుకముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరి. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ ధర్మకి అధర్మక ప్రాణియో మే విశ్వక గోమాతకి గోహత్య భారత సర్వభూత హృదయ ధర్మ సమ్రాట్ శ్రీ స్వామి కరపాత్రిజీ మహారాజ్ కీ, శ్రీ జగన్నాథ మహాప్రభు కీ, శ్రీ బలభద్ర మహాప్రభు కీ, భగవతి సుభద్రా దేవికి హర హర మహాదేవ. గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే హే నాథ నారాయణ వాసుదేవా గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ శ్రీ వృందావన విహారీ లాల్ కీ జయ. నమో మహద్భ్య శంభో శివ 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 నారాయణ నారాయణ నారాయణ. స్వకృత విచిత్ర యోనిసు విసన్నివహేతుతయ తరతమతశ్చ కస్య నలవత్ స్వకృతానుకృతి అథ వితథా స్వముశ్చ వితథం తవ ధామ సమం విరజ ధియోన్వయంత్య వివిపణ్యవ ఏక రసం. నారాయణం.
अब चला दो भाई। संपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आज श्री नरेश सिरोही जी के साथ कृषि विशेषज्ञ राष्ट्रभक्त भगवत भक्त कई महान भाव यहाँ आस्था पूर्वक पधारे हैं। यह प्रमोद की बात है। हमारी भावना है किस प्रकार के राष्ट्रभक्त भगवत भक्त और किसानों के हितज्ञ तथा हितैषी महान भाव समय समय पर यहाँ पधारते रहें। श्री जगन्नाथ पुरी में आकर के भी सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त करते रहे। यह सत्य है कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत एक अत्यंत परतंत्र देश है। शिक्षा की प्रणाली स्वतंत्र भारत में भी हमारी अपनी नहीं है, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है। अब तो भोजन वस्त्र विवाह आदि के प्रकल्प भी अत्यंत विकृत ही होते जा रहे हैं। इसके पीछे दो हेतु हैं। एक तो अंग्रेजों की कूटनीति को अभिशाप न समझकर हम वरदान समझ रहे हैं। दूसरा हेतु यह है कि विदेशी उन्माद को हम प्रगति का परिपंथी या अवरोधक न समझकर प्रकृति का संवाहक समझ रहे हैं। देश की दिशाहीनता का मुख्य कारण यह है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अनुशीलन करें तो वेद असम्मत विज्ञान का आलंबन लेकर जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जाता है तो विकास के गर्भ से विस्फोट की प्राप्ति होती ही है। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन हैं। ये चारों के चारों दूषित विकृत और अत्यंत क्षुब्ध या कुपित किए जा चुके हैं और आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु जो भूत चतुष्टय हैं इन्हीं का संघात हमारा आपका शरीर भी है। अतः पृथ्वी जल तेज और वायु की विकृति का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर ही रहा है। समाधान केवल एक है कि हम सनातन वैदिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। मनु जी ने 11वें अध्याय के 63वें श्लोक के माध्यम से एक संदेश दिया सावधानी बरतने की भावना से। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे
और संयुक्त परिवार स्वीकार है संभव नहीं। हमारे प्रशस्त मानविंदो गोवंश गंगा आदि कोई भी विकृत और विलुप्त हुए बिना रह सकें संभव नहीं। आर्थिक विपन्नता और विषमता का ग्रास देश न बने संभव नहीं। महामारी का प्रभाव पूरे राष्ट्र पर न पड़े संभव नहीं। सकल विसंगतियों के मूल में मनु जी ने महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ही बताया है। हाथ कंगन को आरसी किया, यज्ञ के संपादक पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं उनका वर्णन स्कंद पुराण में दो स्थलों पर एक ही श्लोक के माध्यम से किया गया है। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुभैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। यज्ञ के जो संपादक होते हैं वही पृथ्वी के धारक भी होते हैं, वे सात हैं। गोवंश, गोवंश को ले लिया तो कृषि विज्ञान भी आ ही गया। विप्रैश्च सदाचार संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, और वेद जिसमें काल गर्भित तो कालातीत सकल पदार्थों का सन्निवेश है। वेद का आलंबन लेने पर काल गर्भित तो कालातीत जितने तत्व हैं सबका अधिगम हो ही सकता है। उन वेदों का विद्युत गति से विलोप हो ही रहा है, सतियों का विलोप हो रहा है, सत्यवादियों का विलोप हो रहा है, निर्लोभ व्यक्तियों का विलोप हो रहा है, दानशीलों का विलोप हो रहा है। स्कंद पुराण भी भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की संरचना है। महाभारत भी उन्हीं मनीषी की संरचना है। प्रकारांतर से महाभारत में पृथ्वी के धारक सात तत्वों का वर्णन है। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। पृथ्वी के धारक यज्ञ के संपादक का नाम है धर्म। धर्म का द्रुत गति से विलोप हो ही रहा है, धर्म की विकृत विधा से व्याख्या की जा रही है और द्रुत गति से धर्म का विलोप हो रहा है। धर्म का ही विलोप हो रहा है तो टिक भी क्या सकता है। धर्म कामश्च धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृ सभा। धर्म जहाँ एक पुरुषार्थ है वहाँ काम भी पुरुषार्थ है। पिशाच वृत्ति का नाम तो काम नहीं है, संकेत ही मैंने किया। काम आजकल पुरुषार्थ के रूप में शेष नहीं रह गया है। धर्म कामश्च कालश्च पृथ्वी का धारक एक काल है। काल का अर्थ होता है जिस समय जो कृत्य होना चाहिए, जिस कर्म का निर्वाह जिस समय होना चाहिए उस समय अगर उस कर्म का निर्वाह नहीं होता है तो विस्फोट होता है। प्रदोष काल में संध्या की वेला में पतिव्रता होने पर भी दिति ने अपने पति को बाध्य किया स्पर्श के लिए। काम का सेवन असमय में करने के कारण दो आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। अब तो काल इतना कुपित है कि समय की सीमा में समय पर कोई कार्य संपादित होता ही नहीं, तो पृथ्वी का धारक जो काल है वो भी अत्यंत क्षुब्ध है, कुपित है। धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च। अर्थ पुरुषार्थ को दो शब्दों में महाभारत में ख्यापित किया गया। वसु धन का नाम है और धन के देवता का नाम भी अष्टवसु है। वासु के नाग धर्म के देवता हैं, एक चल संपत्ति के देवता हैं, एक अचल संपत्ति के देवता हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, अर्थ पुरुषार्थ को दो शब्दों के माध्यम से वेदव्यास जी ने उद्भाषित किया। धर्म के लिए केवल धर्म कहा, काम के लिए केवल काम कहा, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ का सीधे नाम न लेकर वसुर वासु के लिए बचा। वसु अचल संपत्ति, वासु की चल संपत्ति नाग रत्न के धारक होते हैं। तो अर्थ पुरुषार्थ को ख्यापित करने के लिए दो नाम लेना पड़ा, वसुर वासु के लिए बचा। मोक्ष की सिद्धि
शास्त्र सम्मत आचार्य का सानिध्य प्राप्त करने पर संभव है। मोक्ष नामक पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है, वो तो चरम पुरुषार्थ है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास ने दो शब्दों का प्रयोग किया, अनंत कपिलश्चैव। ये दोनों आचार्य भगवान शेषनाग अनंत पृथ्वी के धारक हैं। अर्थ का स्रोत जो पृथ्वी है, चाणक्य नीति में, कौटिल्य नीति में अर्थ की परिभाषा भूमि और भूमि से संपन्न मनुष्य। भूमि तो बाहर से डर है ना, इसलिए मनुष्य किसान ले लीजिए। अर्थ को परिभाषित किया कौटिल्य अर्थशास्त्र ने, भूमि का नाम अर्थ है। फिर प्रकारांतर से कहा भूमि और मनुष्य दोनों के योग से अर्थ की निष्पत्ति होती है। यहाँ अर्थ नामक पुरुषार्थ को द्योतित करने के लिए भगवान वेदव्यास ने वसु और वासुकी का नाम लिया, दोनों अधिदैव हैं, अचल संपत्ति चल संपत्ति। मोक्ष नामक पुरुषार्थ को ख्यापित करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, अनंत कपिलश्चैव। अनंत और कपिल अपरा विद्या परा विद्या, दोनों विद्या में पारंगत व्यक्ति हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसीलिए दो आचार्यों का नाम लिया गया अनंत और कपिल। ये पृथ्वी के धारक हैं। अब मैं संक्षेप में कहता हूँ, सावधान, मोक्ष नामक पुरुषार्थ को जिसकी सिद्धि के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का आलम्बन अपेक्षित है, भौतिकवादियों का सिद्धांत है, अगर ईश्वर को तुम स्वीकार करोगे तो प्रगति के मार्ग में ईश्वर अवरोधक सिद्ध होगा। कमलिंग में यही तो है, कमलिंग में क्या है, ईश्वर को मानोगे तो प्रगति में कुंठा जरूर होगी, ईश्वर को मत मानो। प्रगति के नाम पर हमने चरम पुरुषार्थ मोक्ष प्रदायक जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं उनको ही स्वीकार नहीं किया, भौतिकवादियों की दृष्टि यही है। अब रह गई बात धर्म की, तो धर्म की तो धज्जी उड़ा दी गई स्वतंत्र भारत में। और एक विचित्र बात है, किसी भी वस्तु का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता तब तक संभव है जब तक वह स्वभाव सिद्ध या निसर्ग सिद्ध गुण धर्म से युक्त हो। अग्नि अग्नि कब तक है, जब तक दाह प्रकाश से युक्त हो। पृथ्वी पृथ्वी कब तक है, जब तक स्वभाव सिद्ध गंध नामक गुण धर्म से युक्त हो। जल जल कब तक है, जब तक स्वभाव सिद्ध रस नामक गुण धर्म से युक्त हो। तेज तेज कब तक है, जब तक रूप नामक स्वभाव सिद्ध गुण धर्म से युक्त हो। वायु वायु कब तक है, जब तक स्वभाव सिद्ध स्पर्श नामक गुण धर्म से युक्त हो। आकाश आकाश कब तक है, जब तक स्वभाव सिद्ध शब्द नामक गुण धर्म से युक्त हो। आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें कहा गया, प्रलय की परिभाषा दी गई, मीमांसा की गई। प्रलय किसको कहते हैं, वस्तु और व्यक्ति निष्ठ गुण धर्म का विलोप हो जाए, उसी का नाम प्रलय। महाभारत के 12वें स्कंध में प्रलय की प्रक्रिया बताई गई। मैं समय की सीमा में केवल सूत्र शैली में ही कह सकता हूँ। प्रलय काल में भगवान जल में वह बल और वेग भर देते हैं कि जल के द्वारा भूमिनिष्ठ भूनिष्ठ पृथ्वी में रहने वाला जो गंध नामक गुण है वो कर्षित हो जाता है। जब जल भगवान से कालात्मक भगवान से कालात्मा भगवान से उपोद्वलित होकर भूनिष्ठ गंध नामक गुण का कर्षण कर लेता है, तब पृथ्वी पृथ्वी नहीं रह जाती, जल के रूप में परिणत हो जाती है। एक ही उदाहरण मैंने दिया। तो सज्जनों, धर्म का भी विलोप, धर्म को मानोगे तो प्रगति के मार्ग में अवरोधक सिद्ध होगे, यह पाप या पुण्य या पाप न हो जाए। तो भौतिकवादी कहते हैं धर्म को स्वीकार करोगे तो प्रगति में अवरोध उत्पन्न होगा। तो प्रबल बहुमत से विश्व स्तर पर 100 वर्ष की अवधि में, अब तो धीरे धीरे नहीं बहुत द्रुत गति से, धर्म और ब्रह्म को, धर्म और परमात्मा को, या धर्म और मोक्ष नामक पुरुषार्थ द्वय को निरस्त कर दिया गया। प्रबल बहुमत से इनको प्रगति के मार्ग में अवरोधक सिद्ध कर दिया गया। अब रह गए दो पुरुषार्थ जिन पर लट्टू होकर पूरे विश्व ने धर्म और मोक्ष का परित्याग किया है। वो जो दो पुरुषार्थ हैं, स्थावर जंगम प्राणी
क्या है, सम्मत है। चीटी चिड़िए में भी, यहाँ तक वृक्ष में भी दो पुरुषार्थ तो है, दो पुरुषार्थ के पक्षधर तो वृक्षादि भी हैं, चीटी आदि भी है ना, उनको भी अर्थ चाहिए, खाद पानी चाहिए, उससे वो प्रबंधित होते हैं, वो काम हुआ। कृषि का भी विलोप कब होता है, कृषि का विलोप कब होता है, जब अर्थ और काम से वो विहीन हो जाते हैं। अर्थ माने खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ अनुकूल स्थावर प्राणी है ना, ये सब तरुलता गुल्म इत्यादि जो कुछ है उद्भिज्य प्राणी हैं, जो भी अन्न को अन्न औषधि आदि की प्राप्ति होती है सब उद्भिज्य प्राणी हैं। अर्थ और काम के बिना इनके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थ माने खाद्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ होता है, उनका सेवन अभीष्ट ढंग से उचित ढंग से किया जाए तो जीवन में जो आह्लाद की निष्पत्ति होती है उसका नाम काम है। अर्थ और काम के बिना ही खेती की भी दुर्गति हो रही है, तो अर्थ और काम प्राणी सुलभ पुरुषार्थ द्वय हैं। अब अर्थ क्या, अर्थ रह गया इस पर विचार करना, विश्व स्तर की संगोष्ठी होनी चाहिए, विश्व स्तर का सेमिनार होना चाहिए, जिन दो पुरुषार्थों पर फिदा होके लट्टू होकर के हमने चरम दो पुरुषार्थों का परित्याग किया है प्रबल बहुमत से, उनका नाम है धर्म और मोक्ष। तो क्या सचमुच में अर्थ नामक पुरुषार्थ पुरुषार्थ के रूप में हमको प्राप्त है? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 23वें अध्याय में 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ का नाम पुरुषार्थ, अन्यथा अनर्थ है। उसमें मैं एक संदेश देता हूँ, द्यूत जुआ लॉटरी सट्टा मध्य, इनके बिना कोई भी सरकार चल सकती है, यह अनर्थ के मूल है। नमस्ते नो जनपदे न मध्यपह, छांदो उपनिषद के राजा ने उद्घोषित किया मेरे राज्य में कोई भी स्टेन चोर नहीं है, कोई मदिरा नशीली वस्तु का सेवन करने वाला नहीं है, कोई स्वेच्छाचारी पुरुष नहीं है, कोई स्वेच्छाचारिणी स्त्री नहीं है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता हुआ कोई, यज्ञोपवीत संपन्न होता हुआ कोई, अग्निहोत्री ना हो ऐसा नहीं है, अग्निहोत्री भी हैं। यह सुराज्य की कल्पना ही नहीं, सुराज्य का साकार स्वरूप चित्रित किया गया छांदोग्य उपनिषद में। तो हमने कहा कि अर्थ पर विचार किया जाए तो अर्थ नामक पुरुषार्थ से भी हम विहीन हो गए। अंग्रेजी वाले तो पृथ्वी को अर्थ ही कहते हैं ना, श्री सूक्तम का अध्ययन कीजिए। आजकल मैं सिरोही जी ने 14 पृष्ठों का अपना निबंध भेज दिया, हम लोग बड़े विचित्र होते हैं, हम तो दत्तात्रेय की शैली में सबसे लाभ उठा लेते हैं। हमने सोचा कि 14 पृष्ठ के इनके निबंध को पढ़ने में 24 मिनट लगे, अच्छी तो बात है, जानकारी हुई, तो हम क्या करें अब, तो कृष्ण दर्शन नामक ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। इनसे लाभ उठा लिया, कृष्ण दर्शन नामक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, वो 144 पे लगभग आज हो गए हैं, रात्रि में ही समय निकाल पाता हूँ यहाँ पर। और 35 ग्रंथ हमने पुस्तकालय से मंगाया है यहाँ से। आर्षक ग्रंथों में कृषि का जो स्वरूप है वो तो 144 पृष्ठों में हुआ है, लगभग 50-60 पृष्ठ और लिखने की संभावना है। तो उसमें कृषि का वास्तविक स्वरूप शास्त्र सम्मत क्या होना चाहिए सबका वर्णन है, भगवत कृपा से वो ग्रंथ सचमुच में कृषि दर्शन ही होगा। ब्रैकेट में कोष्ठक में उसका नाम लिखा है, कृषि और कृषक। हमने केवल यहाँ इतना संकेत किया कि प्रामाणिक रीति से विचार करें तो अर्थ विश्व में अर्थ रह गया है। अर्थ की वास्तविक परिभाषा क्या है, परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से उपयोग अथवा विनियोग जिसका हो उसका नाम अर्थ। क्या परम अर्थ परमात्मा, जिनके बिना सब अनर्थ ही है, उन्हीं का नाम तो वास्तव में अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से जिसका उपयोग या विनियोग हो उसका नाम अर्थ है। वैदिक वाङ्मय में तो अर्थ की यही परिभाषा है। श्री सूक्तम के अनुसार पृथ्वी अर्थ है, इसका नाम वसुंधरा। रत्नाकर पर्वत अर्थ है, इसका नाम रत्नाकर। समुद्र रत्नधर है या नहीं, रत्नाकर है, ये सब
पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, और आगे चले अहम तत्व अर्थ है, महत्तत्व अर्थ है, प्रकृति अर्थ है, परमात्मा परम अर्थ है। और एक विचित्र बात है, पृथ्वी का महत्व क्यों सबसे अधिक है, प्रकृति का सबसे चरम परिणाम पृथ्वी है। और एक दार्शनिक सिद्धांत है, कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है। आकाश का गुण क्या है, शब्द, वायु का गुण स्पर्श, तेज का गुण रूप, जल का गुण रस, पृथ्वी का गुण गंध। अब क्या होता है कि वायु को अपना गुण तो स्पर्श प्राप्त है, ऊपर से पूर्वज से एक गुण आ गया शब्द, तो वायु के पास दो गुण हो गए शब्द स्पर्श, तेज के पास तीन गुण हो गए शब्द स्पर्श रूप, जल के पास चार गुण हो गए शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी के पास पांच गुण हो गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। प्रकृति की चरम परिणति का नाम भूमि है, जिसके आधार पर खेती करते हैं। जैसे आम का वृक्ष लगावे, उसमें पत्ते भी हैं, पुष्प भी हैं, लेकिन अंत में तो फल लगेगा ना। भगवान शंकराचार्य का एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य श्रुति के भाष्य में, फलावसानम जगत, फलावसानम जगत, फल का अवसान जगत क्या है, फलावसान। प्रकृति का चरम फल कौन है, पृथ्वी। उस पृथ्वी का चरम फल कौन है, जो किसान हमको देते हैं। और एक विचित्र बात है, थोड़ा ध्यान दें, किसान ज़्यादा खेती करते हैं या प्रकृति की ओर से भगवान ज़्यादा खेती करते हैं। किसान की उत्पत्ति भी तो भगवान के द्वारा होती है, लेकिन किसान तो बुद्धिपूर्वक कितने प्रकार के वृक्ष अनाज आदि को उत्पन्न करता होगा, लेकिन प्रकृति के गर्भ में जो असंख्य बीज पड़े हैं पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में विचार करें तो उन खेती वृक्ष इत्यादि जिनका नाम भी हम जानते हैं नहीं जानते हैं, उन सब को उपजाने वाला भी तो कोई किसान है। बड़ी विचित्र बात, बुद्धिपूर्वक प्रयत्नपूर्वक जो कृषि का संपादन करने वाला तो किसान होता है। जैसे एक वन है और एक वाटिका है, उद्यान है, वाटिका में तो बुद्धिपूर्वक अमुक अमुक ये सब, लेकिन वन में तो स्वाभाविक रूप से वृक्षों की उत्पत्ति होती है। तो हमने एक संकेत किया कि अर्थ नामक पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि भारत की एक विडम्बना है, अपना कच्चा माल 100 रुपये केजी भेजता है बाहर और 125,00,000 रुपये केजी खरीदता है पक्का माल बाहर से। भारत को तो विलुप्त करने का, दरिद्र बनाने का षड्यंत्र शासन तंत्र के द्वारा चल ही रहा है। तो वास्तव में अर्थ क्या है, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत परिभाषा अर्थ की यही है कि भोग्य पदार्थ का नाम सज्जनों अर्थ है। ये हमने संकेत किया, काम नामक पुरुषार्थ भी नहीं रह गया, अर्थ नामक पुरुषार्थ भी नहीं रह गया, धर्म और मोक्ष काल की तो तिलांजलि दे गई, विकास के नाम पर हाथ क्या लगा, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत के मनुष्यों की संरचना, इसका मतलब सब कुछ नाश हो गया विकास के नाम पर। इसीलिए विकास को वैदिक विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अब मैं संकेत करता हूँ, भगवद गीता का 18वां अध्याय लीजिए, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम। कृषक जो है, थोड़ी देर के लिए वैश्य को मान लीजिए, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम। कृषक, वैश्य का नाम कृषक रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब कृषक का, किसान जिसको कहते हैं, उसका उत्कर्ष कैसे होगा, कृषि के साथ गौरक्ष और वाणिज्य का भी सन्निवेश हो उसके जीवन में, तो आर्थिक विपन्नता नहीं होगी क्या। एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। अब गौरक्ष को हटा दें, पशुपालन गोवंश की रक्षा, तब किसान क्या करेगा, खेती की उर्वरा शक्ति आदि सब नष्ट हो जाएगी। कृषि के साथ गौरक्ष और वाणिज्य का प्रकल्प अगर रहने दिया जाए तो मैं नहीं समझता कोई किसान निर्धन रह सकता है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य, एक और विचित्र बात है, इसमें वाणिज्य को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, वैश्यों का प्रमुख कार्य है वाणिज्य, बाकी कृषि गौरक्ष हर वर्ण के कार्य हैं। एक उदाहरण देता हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शुक्र नीति पढ़िए, सिरोही जी ध्यान दे रहे, ब्राह्मण को हल चलावे न चलावे, गाय को दुहे या न दुहे ये सब अलग बात है, ब्राह्मण को एक हल पर 16 बैल का उपयोग करना चाहिए,
शुक्र नीति 16 बैल ब्राह्मण को एक हल पर, अनेक नहीं, 8 हल पर नहीं, एक हल पर 16 बैलों से खेती करे ब्राह्मण, और क्षत्रिय 12 बैलों से, और वैश्य जो है 8 बैलों से, और शूद्र जो हैं 4 बैलों से, अंत्यज जो हैं 2 बैलों से, एक हल पर 2, 4, 8, 12, 16 बैलों का उपयोग होना चाहिए। इतना प्रशस्त विज्ञान खेती का हमारे यहाँ शास्त्रों में दिया गया। मैंने शुक्र नीति के आधार पर कहा सज्जनों, तो कृषक जो हैं, किसान जो हैं, दीनताहीनता को क्यों प्राप्त हैं? एक तो उन्हें कृषि का परंपरा प्राप्त विज्ञान नहीं है, दूसरी बात है कि शासन तंत्र के द्वारा विकृति खाद पानी आदि को लेकर, अनाज के दाने को लेकर की गई है, और शासन तंत्र का अर्थ होता है कि सब शोषक। मुझे एक उदाहरण देता हूँ, सावधान, नक्सलवाद है मान लो छत्तीसगढ़ में बहुत है, लेकिन वनवासी क्षेत्रों के व्यक्ति भी तो विधायक सांसद बनकर आते हैं, और कम से कम छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में भाजपा या कांग्रेस ही चर्चित दो पार्टी है। तो वो वनवासी जिनको हम नक्सलवादी, उनमें से बहुत से हैं, वो वोट किनको देते हैं? कभी भाजपा को, या कोई भाजपा को, कोई कांग्रेस को। और वही जब विधायक सांसद होते हैं और मंत्री भी हो जाते हैं, तो वो फिर नक्सलवादियों को नकेल नहीं डाल पाते, क्या वनवासियों के हित में अपने जीवन का उपयोग नहीं करते? बहुत से किसान के बेटे पहुंच गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन वो भी किसानों की हत्या में ही प्रयुक्त हो गए, विनियुक्त हो गए। मैं एक संकेत करता हूँ, किसी महात्मा का नाम नहीं लूंगा, एक संत वेश में, साधु वेश में व्यक्ति जो सांसद बने श्री राम जन्मभूमि के नाम पर, बहुत सी देवियाँ भी सांसद बन गई राम जन्मभूमि के नाम पर, लेकिन सरकार ने क्या किया, उसी सांसद का उपयोग राम जन्मभूमि की योजना को गड्ढे में डालने में किया। किसान भी किसान के हिमायती हैं ये नहीं कह सकते, ध्यान देने की बात। ढाका से भागे हुए कौन, ज्योतिर्वसु, मजदूरों के नेता बन करके आए हुए ज्योतिर्वसु अरब रुपये से खेलने लगे, उस समय वो कम्युनिस्ट रह गए थे क्या? तब तक वो कम्युनिस्ट थे, मजदूरों के, श्रमिकों के, किसानों के पक्षधर थे, जब तक वे नेता नहीं हुए। नेता बनने के बाद उन्होंने क्या किसानों के आंसू को पोंछा? नहीं पोंछा। इसीलिए किसान भी अगर पार्लियामेंट तक पहुंच जाए तो ये कहना कठिन है, कहना कठिन है कि वो फिर किसान रह जाएंगे। वो तो जिस धारा में सब और नेता बहते हैं, प्राय उसी धारा में बह जाएंगे। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, किसान कृषि गौरक्ष, ये जो प्रकल्प हैं, ये तो ब्राह्मणों के यहाँ भी हैं, क्षत्रियों के यहाँ भी हैं, वैश्यों के यहाँ भी हैं, शूद्रों के यहाँ भी, अंत्यजों के यहाँ हैं। इसका मतलब 5 जो कॉलम हैं, अंत्यजों के यहाँ भी 5 कॉलम रखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, शास्त्रों के अनुसार 5ों विभाग में कृषि और गौरक्ष का तो समादर है। ब्राह्मण गोवंश का पालन करे या नहीं, याज्ञवल्क जी के पास कितनी गायें थी, क्षत्रिय गोवंश का पालन करे या न करें। अब ये 5ों कॉलम के व्यक्ति, 5ों विभाग के व्यक्ति अगर कृषि और गौरक्ष के हिमायती हो जाएं, तो कृषि गौरक्ष में ये दुर्दशा क्यों प्राप्त हो? इसका मतलब सारा षड्यंत्र विदेशियों का है। कुछ तो हम विदेशियों की कूटनीति को कूटनीति न समझने के कारण दिशाहीन हो रहे हैं, कुछ अंधानुकरण के कारण दिशाहीन हो रहे हैं, और सबसे विचित्र बात है कि हमारे तो मस्तिष्क और हृदय की संरचना जिस शिक्षा पद्धति के आधार पर हुई है, वो तो अंग्रेजों की दी हुई है। हमारा हृदय और मस्तिष्क तो खरीद लिया अंग्रेजों ने, अब हम क्या कहते हैं, अपने हृदय और मस्तिष्क को बेचने के लिए अंग्रेजों को रुपया देते हैं। क्या मतलब हुआ, बच्चों को जब विद्यालय में भेजा जाता है, रुपये देते हैं ना, पढ़ाई के लिए रुपया देते हैं, रुपया देकर हम संभावित हृदय और मस्तिष्क को बेचना चाहते हैं। हर व्यक्ति बनाया गया है भारत में क्या बाजार का सौदा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। भीष्म जी ने कहा कि सरकार का दायित्व है, समाज का दायित्व है, व्यक्ति का दायित्व है राज्य को, राष्ट्र को। ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग लोक परलोक दोनों के लिए हुआ है, स्टेट ही नहीं राज्य है।
प्रांत का नाम ही राज्य नहीं है। ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग लोक परलोक के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, आखिर पूरे भूमंडल के लिए भी राज्य का प्रयोग किया गया है। राज्यम पर्ण्यम न कारयत, राज्य को बाजार का सौदा न बनावे। आज हर व्यक्ति का निर्माण बाजार का सौदा बनने के लिए हो रहा है। बुरा न मानो होली है, यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। आजकल बाबा भी बनते हैं तो सोचते हैं अगर 20 करोड़ से नहीं खेल पाए तो बाबा बनना व्यर्थ। देश को भी बेचना ही है, देश को बेचना ही है। देवियों के श्रृंगार देखिए विचित्र ढंग से, माने हर व्यक्ति अपने आप को तब सफल मानता है जब वो बाजार का सौदा अपने आप को बना ले। सारी विकृतियों का भंडार भारत को बना दिया गया है। अब जो कहा गया कि शंकराचार्य संकल्प लें, अपने दायित्व को समझें, दो बात हुई, तो वो तो दूरी के कारण मालूम पड़ता है कि संकल्प नहीं है। क्या वो आपका दोष नहीं है, दूरी के कारण। और मैं इतने संकेत करूंगा, किसानों का ही उत्कर्ष चाहते हैं, किसानों का विशेष रूप से, उसको भूमि का बेटा मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, राजा मानते हैं, सब कुछ। आध्यात्मिक प्रशिक्षण अगर किसान के, कृषि के हिमायती व्यक्ति दो चार जो रहे हों भारत में अब हों, उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सचमुच में कृषि है क्या, हम तो आपसे समझ लेंगे, लेकिन आपको भी आवश्यकता होगी हमसे कृषि के शास्त्रीय स्वरूप को समझने की। इसीलिए हमने यह कहा, और मैं इस बात को मानता हूँ, जिस पद पर हूँ उस पद पर कोई दूसरा न आघात कर दे। पद माने शंकराचार्य का पद। ईसवी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव सुनिश्चित है, और जो जन्मकाल माना गया वो बकवास है। इस पर बहुत अभी गोष्ठियाँ हो रही हैं पुरी में, बहुत व्यापक ढंग से। नेपाल के नरेश भी आए थे, पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान, और गणपत जी थे, बहुत बड़ा विशाल। अभी नेपाल हम लोग जाएंगे, शिष्ट दल का चयन हो गया है, तो नेपाल को भी हम लोग ले रहे हैं। बहुत वर्ष पहले ले चुके थे, व्यापक ढंग से विचार हो रहा है। तो हमने एक संकेत किया, चलते हुए कार में प्रशिक्षण हमारे यहाँ होता है, अगर पीछे भी जगह है तो पीछे ये बैठे होते हैं, बीच में मुझको ही लिटा देते हैं आजकल, क्योंकि अधिक समय बैठने में बहुत कठिनाई होती है। आगे स्वामी जी और ड्राइवर होते हैं, गणित का प्रशिक्षण हम इनको चलती हुई कार में देते हैं अभी, और नीति निर्धारण इत्यादि चलती हुई कार में। कोई मालिक कार चलावे तो हम लोग मौन रहते हैं, मालिक बड़ा बेढंगा होता है, वो बोलने का अपना अधिकार मान लेता है। ड्राइवर होता है, उस पर अनुशासन हमारा चल सकता है, मालिक तो बार-बार बोलता रहता है वो क्या कर दे क्या नहीं। इसलिए प्रायः मालिक जो होते हैं कार के, उनसे कार नहीं चलवाते। जो ड्राइवर होते हैं सचमुच में वेतनभोगी, उनको ही पसंद करते हैं, चलाना भी ठीक जानते हैं। तो स्वामी जी ने एक विचित्र प्रश्न कर दिया, जब ईसवी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ, तब तो न मोहम्मद थे, न ईसा मसीह, न इनके अनुयायी, फिर ये सब भारत में कैसे टपक पड़े, मुगलों का शासन कैसे टपक पड़ा, क्रिश्चियनों का शासन कैसे टपक पड़ा। तो हमने कहा कि आज भी तो कुछ टपक रहा है ना शासन के नाम पर, चार शंकराचार्य तो हैं, समझ लो आज की भी संगति उस समय भी थी, इससे ज़्यादा भी संगति थी या कम। उस समय जो शंकराचार्य थे सब सदाचारी थे, विद्वान थे, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, वैदुष्य में, विद्या में त्रुटि नहीं थी, आचरण में त्रुटि नहीं थी। आतंकवादी, नास्तिक, कम्युनिज्म की धारा में, बर्बरता की धारा में बहने वाले कोई शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लेकर क्रियान्वित करने में पंगु थे। क्यों? एक बहुत ऊंची बात है, पतन कब होता है, पतन का सूत्र क्या है, जब व्यक्ति दायित्व का निर्वाह नहीं के बराबर करता है या बिल्कुल नहीं करता है, और पद सुलभ भोग, पद का उपभोक्ता बन जाता है। शंकराचार्य जब पद के उपभोक्ता बन गए, भेंट पूजा लेना, ये सब मेरा हो गया, आशीर्वाद देना,
और जो मुख्य दायित्व दिया गया था शासकों पर शासन करने का दायित्व है ना, शंकराचार्य का सामान्य दायित्व है क्या? शासकों पर शासन करने का दायित्व शंकराचार्य का है, अपने दायित्व का निर्वाह दाल में नमक के समान भी नहीं किया और पद सिद्ध धनमान के उपभोक्ता बन गए, विद्वान होकर भी, सदाचारी होकर के भी, तो विदेशियों की दाल गल गई। आज भी देखिए पोप महोदय गुप्त या प्रकट भारत पे शासन कर रहे हैं, पूरे विश्व पर है पोप महोदय का, पोप जी के साथ जुड़ा हुआ पूरा क्रिश्चियन तंत्र है गुप्त या प्रकट। और चार शंकराचार्य आज हैं, नकलियों को छोड़ दीजिए, चार शंकराचार्य आज ही क्या कर पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति, ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? एक जीविका के साधन है, एक धर्म के साधन, एक जगह जीविका की प्रधानता है, दान देना ब्राह्मणों का धर्म है, दान लेना जीविका की प्रधानता से, यज्ञ करना ब्राह्मणों का धर्म है, यज्ञ कराना उपधर्म है, जीविका की प्रधानता जुड़ गई तो उपधर्म है। क्या मैं संकेत कर रहा हूँ? जब व्यक्ति दायित्व का निर्वाह नहीं करता है या नहीं के बराबर करता है, पद सुलभ धनमान का भोक्ता बन जाता है, तब विकृति आ जाती है। ब्राह्मणों में विकृति क्यों? क्षत्रियों में विकृति क्यों? वैश्यों में विकृति क्यों? आज के राजनेताओं में विकृति क्यों? सबका उत्तर यही है। अब गंगा जी हैं, गंगा जी को लेकर बिजनेस है, दोनों वचन है ना, नहा स्नान करे तो कैसे करे, कब करे, किस प्रकार न करे। तो गंगा जी की महिमा तो गादी पंडों ने, पुजारियों ने, ब्राह्मणों ने समझ गए, लेकिन गंगा जी का सेवन कैसे करें, स्नान कैसे करें, कैसे न करें, उसका वर्णन न्यून। ये वृंदावन की दशा क्यों हो गई महानगर? वृंदावन की महिमा तो गाई गई, लेकिन धाम में प्रवेश कौन करें, कैसे जीवन यापन करें, कथावाचकों ने, पंडितों ने, गोस्वामियों ने बुरा न मानो होली है इस पक्ष को छिपा लिया। गंगा में विकृति यूँ आ गई, धाम में विकृति यूँ आ गई। तो हमने एक संकेत किया, सारी विकृतियाँ जो हैं उनके मूल में अब जो आए हैं सज्जन, साराम सुन लें, क्योंकि जो विषय है उस पर भी कुछ बोलना है। दो में कृषि विभाग में जो दिशाहीनता है, समस्या नहीं है। एक और विचित्र बात है, हम तो पूरे भारत में घूमते हैं और आपको तो अभी पता नहीं होगा, शायद एक दो व्यक्ति को मालूम, नेपाल के राजा जब परिवार से मारे गए थे, उनके मारे जाने के 3 साल पहले मैंने उनको कहलवा दिया था, आप सुरक्षित नहीं हैं, नेपाल सुरक्षित नहीं। हमारी बात अनसुनी की, नेपाल का सारा अभियान पूरी पीठ से चलता है, चल रहा है। उनके मरने के बाद जो विसंगति हुई, मारे जाने के बाद सबसे पहली क्रांति पूरी पीठ से प्रारंभ हुई, अभी भी राजा भी आए थे, सब अभियान है। तो हमने एक संकेत किया, संकेत क्या किया कि समस्याओं को हम मूल समस्या पर ध्यान नहीं है। आप लोग जरा सावधान होकर सुने, कृषि में विकृति, किसानों के जीवन में विकृति, आत्महत्या की परिस्थिति यह समस्या नहीं है। और विचित्र बात, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, छाया को पकड़ने चलोगे या जेवर आभूषण के ही प्रतिबिंब को पकड़ने चलोगे छाया को, तो हाथ में नहीं आने। मूल समस्या कृषि की नहीं है, गोरक्ष की नहीं है, वाणिज्य की नहीं है, मूल समस्या है व्यासपीठ और शासन तंत्र में विकृति, और दोनों में सद्भावपूर्ण सामंजस्य के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति का अभाव। समस्या हजारों दिखाई पड़ती हैं, समस्या हजार नहीं है। कृषि कोई, आप केवल कृषि को उन्नत करने का प्रयास कीजिए, सफल नहीं होंगे, क्योंकि समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि अंग्रेजों ने दक्षता पूर्वक, कूटनीति पूर्वक, गुरुगद्दी व्यासगद्दी का विलोप हो, इसमें विकृति आवे, वो षड्यंत्र चलाया, और शासन तंत्र भी भारत को भारत की विधा से प्राप्त ना हो। व्यासगद्दी की दिशाहीनता और शासन तंत्र राजतंत्र की दिशाहीनता ये समस्या है। इसलिए दो व्यक्ति का भी सामंजस्य हो जाता है तो जितनी विसंगतियाँ, नहीं तो अब गंगा कृषि को लेकर जो काम कर रहे हैं आप लोग कीजिए, लेकिन मेरा अनुभव है वृंदावन आता हूँ तो लोग कहते यमुना जी की रक्षा के लिए आप काम कीजिए, कहते या नहीं?
उधर जाता हूँ तो हरिद्वार आदि को, महाराज शंकराचार्य आपका दायित्व होता है कि गंगा जी की रक्षा के लिए काम कीजिए, उधर कहते हैं महाराज नशा उन्मूलन के लिए थोड़ा आप काम कीजिए, इधर आपका ध्यान है या नहीं, उधर कहते महाराज गोहत्या बढ़ रही है हो गौ वंश के लिए कुछ काम कीजिए। माने हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमको कहा जाता है किसी विभाग की दुर्दशा हो रही, किसान आत्महत्या कर रहे, महाराज इसके लिए काम कीजिए आप शंकराचार्य हैं। अब प्रश्न होता है एक समर्थ राजा भी 1000 मोर्चे पर एक साथ युद्ध करे तो कचूमर निकल जाए। विराट के यहाँ दो ओर से आक्रमण करवा दिया ना दुर्योधन ने, तो अगर अर्जुन ही नहीं होते उस समय तो क्या दशा होती। अब हमारे पास भारत में जितनी विसंगतियां हैं, देवियों के शील को लेकर जहां जाते लोग कहते हैं महाराज इधर आप मौन क्यों हैं, इधर काम कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि समाज हमको सेवा का दायित्व तो देता है लेकिन वो दायित्व का निर्वाह करें तो कम से कम 50 तो सूची में हो ही जाएंगे। अब 50 मोर्चे पर काम करेंगे तो क्या होगा, एक मोर्चे पर हम सफल होंगे। जो जहाँ हैं किसी को लेकर अभियान चलाने वाले, गंगा जी को लेकर, गाय को लेकर, वो चलाते रहें। समस्या ये सब नहीं है, आपको सुनने में बुरा न लगे, समस्या बिल्कुल ये नहीं है। समस्या ये है कि व्यास गद्दी गुरु गद्दी को विकृत और विलुप्त करने का अंग्रेजों ने षड्यंत्र चलाया, उसको समझकर गुरु गद्दी के शोधन का प्रकल्प और शासन तंत्र में विकृति का ध्यान करके अंग्रेजों ने हमारे मौलिक विकास के आधार को ही विलुप्त कर दिया। तो व्यासपीठ में विकृति कर दी और शासन तंत्र में विकृति कर दी। हमारे श्री स्वामी जिनको आप कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बौद्धों के शासन काल में भगवान शंकराचार्य ने वैदिक साम्राज्य की स्थापना की ना। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान शंकराचार्य, थोड़ा मैं संकेत करना उचित समझता हूँ, हिरण्यकशिपु का शासन था, व्यासपीठ के कितने व्यक्ति उसके साथ, संडामर्ग, अध्यापक, ट्यूटर, बाकी नारद जी आदि का हृदय तो ध्यान गया ही नहीं। हिरण्यकशिपु जैसा दुर्दांत शासक था लेकिन व्यासपीठ ने उसके सामने, व्यासपीठ के प्रोधाओं ने उसके सामने घुटना टेका क्या। आगे लीजिए, वेन के समय में भृगु जी आदि महर्षि उसके वशीभूत हुए क्या, व्यासपीठ को विकृत करने में वेन सफल हुआ क्या, बल्कि भृगु जी ने तो उसे मुर्दा ही बना दिया, सब बना दिया। रावण के शासनकाल में एक नकली कथावाचक थोड़ी देर के लिए वो कालनेमी, बाकी कथावाचकों पर व्यासपीठ, विश्वामित्र गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरविन मरे ने निश्चय, एक भी दंडक बन के या कहीं के जो हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि थे उन पर रावण का प्रभुत्व था क्या। व्यासपीठ में विकृति लाने में रावण भी सफल नहीं हुआ, ये कैसा शासन तंत्र है, इधर संकेत समझ लें। जो जिस मोर्चे पर हिरण्यकश्यपु सफल नहीं हुआ, जिस मोर्चे पर बेन सफल नहीं हुआ, जिस मोर्चे पर रावण सफल नहीं हुआ, यहाँ तक कि कंस और दुर्योधन जिस मोर्चे पर सफल नहीं हुए, कंस के शासनकाल में नारद जी इत्यादि जितने महर्षि थे, मैत्रेय जी, व्यास जी, किसी के मस्तिष्क पर क्या दुर्योधन का प्रभाव था या कंस का प्रभाव था, नहीं था ना। दो चार दक्षिणा के लोभी ब्राह्मण, वो भी आपको नहीं पता है, हम ही पोल पट्टी खोल रहे, जब कर्ण युद्ध के लिए चला तो दो चार दक्षिणा के लोभी ब्राह्मणों ने क्या कहा, उल्लू रूपी पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए कर्ण रूपी सूर्य पदार्पण कर रहे उल्लू रूपी पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए, हाँ सूर्य रूपी जो कौन है कर्ण, ये युद्ध भूमि में पदार्पण करे, दक्षिणा के दो चार, हाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ नाना करके। हाँ द्रुपद ने कहा कि द्रोणाचार्य को तो अस्त्र बल से मैं मार नहीं सकता, भले ही मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण है, पारंगत है वो अस्त्र विद्या में, तो फिर यज्ञ के द्वारा मारो, ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रकल्प तैयार करके मारो। बनिया लोग क्या करते हैं मालूम है, आप लोगों को छोड़कर कोई बनिया हो तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से भिरा देते हैं और संतों को संतों से भिरा देते हैं। बनिया का ये काम स्वयं अलग रहते हैं, भिरा देते हैं। एक बार क्या किया एक बनिया ने, धानका जी ने क्या किया, चतुराई उसने की थी कुछ हमें मालूम भी नहीं। पुरी के शंकराचार्य जब नाराज हुए किसी ग्रंथ की भूमिका आदि को देख कर, तो कहा आपके लाडले प्यारे निश्चलानंद की करतूत है
हमको पता भी नहीं। अब वो बड़ी सभा में जयपुर में पूरी के शंकराचार्य तो समझ लीजिए, हाँ उनको सहना तो कल हमारा आपका शास्त्रार्थ होगा, हो जाए अभी हम समझे में हमारा आपका शास्त्र। हमने कहा आपका बालक विद्यार्थी हूँ मैं पद पढ़ने, नहीं नहीं शास्त्रार्थ होगा। हम तो जब स्वामी ने कान में कहा ये बनिया की नीति है उन्होंने चढ़ा दिया आपके विरोध में, काम किया उसने नाम आपको दे लिया। बाद में मैंने उस बनिया से पूछा पुरुषोत्तम धनुका से क्या किया, हम बनिया है ना, ब्राह्मण को ब्राह्मण से बिराते हैं, बाबा को बाबा से बिराते हैं, काम हमारा था नाम आपको ले लिया, नहीं तो हम साफ खाते, ब्राह्मण ब्राह्मण पे अपना भिड़े, हमने घर छक किया तो। फिर महाराज ने कहा नहीं कल शास्त्रार्थ होगा ही बड़ी सभा में, बड़ी विचित्र बात। और हमने कहा बड़े विकट संकट, हम अपना विलम्ब से आए। अच्छा अच्छा ठीक है, बड़े चतुर हो तुम, विलम्ब से आए, शास्त्रार्थ का समय बीत गया, गोविंद जी की आरती का समय हो गया, अच्छा तुम बड़े बुद्धिमान हो, हम तो बुद्धू हैं ना, इस तरह से काम बन गया। तो हमने क्या संकेत किया आपको, हमने यह संकेत किया कि दो चार दक्षिणा। तो उसने क्या कहा द्रुपद ने, महाराज यज्ञ करवाइए ऐसा कि द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र हो। अरे ब्राह्मण की हत्या में मेरा उपयोग यज्ञ का, नहीं नहीं इतनी दक्षिणा इतनी दक्षिणा इतनी दक्षिणा इतनी दक्षिणा, नाना करने वाले पाठक जी सावधान, वो यज्ञ कराने लगे। प्रचुर दक्षिणा के बल में अंत में धृष्टद्युम्न को उत्पन्न ही कर दिया। एक ऐसी बेटी चाहिए थी जो अर्जुन की दुल्हन बन सके द्रौपदी के रूप में, और एक ऐसा बेटा चाहिए था द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य को मारने वाला बेटा जो बैठा हुआ वो दक्षिणा लोभी ब्राह्मणों के बल पर कोई कोई। लेकिन उसी समय थोड़ा विचार कीजिए, नैमिषारण्य में 88,000 महर्षि शौनक जी थे या नहीं, गुरुकुल चलाते थे उस समय, वो उनका हृदय बिका था क्या, नहीं। अब कलयुग में मंडन मिश्र सब बौद्ध हो गए थे क्या, नहीं ना, गिने चुने बौद्ध हुए थे। बौद्धों के शासन काल में भी मंडन मिश्र सब एक से एक दिग्गज द्वैतवादी अद्वैतवादी कर्मकांडी लोग थे, कुछ ब्राह्मण लोग बौद्ध हो गए थे, वहाँ भी उतनी विकृति नहीं थी व्यासपीठ की जितनी आज है। आज तो फिर क्या कहें, इसका मतलब पराकाष्ठा की विकृति है, गिने चुने व्यक्ति ही पंडित और संत व्यस्त में मिल जाएं जो राष्ट्र के पक्षधर हों, बहुत बड़ी विकट समस्या है, सब चुनौती है। अब मैं प्रवचन को संकेत करता हूँ, दो की आवश्यकता होती है, नीचे से चलिए ऊपर, एक और कौन जी, समर्थ रामदास, एक और शिवाजी, आगे चलिए चाणक्य और चंद्रगुप्त, नवरत्न और विक्रमादित्य, कुमारिल भट्ट जी, सुधन्वा जी या शंकराचार्य जी, सुधन्वा जी, और आगे चलिए धौम्य जी, पांडव युधिष्ठिर जी या व्यास जी और श्री कृष्ण जी, और आगे चलिए वशिष्ठ जी और राम जी या विश्वामित्र जी और राम जी बात, और आगे चलिए भृगु जी और पृथु जी, और आगे चलिए नारद जी और ध्रुव जी, नारद जी और प्रहलाद जी, दो एक व्यासपीठ की परंपरा माने ब्राह्मणत्व से संपन्न ऋषि कोटि के महान भाव, एक क्षत्रिय क्षत्रिय राजगद्दी से संपन्न, दो व्यक्ति सैद्धांतिक हों और दोनों में सद्भावपूर्ण संवाद का प्रकल्प चलाया जाए तो जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को लेकर जो आप महान भाव काम कर रहे हैं वो काम मेरे कहने पर छोड़ दें, लेकिन मूल समस्या किसी नहीं है, मूल समस्या अंग्रेजों की बुद्धि देखिए। सबसे पहले गांधी जी को महात्मा किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसके कहने पर, अंग्रेजों के कहने पर, क्यों, परंपरा प्राप्त मनवादी धर्मशास्त्र के पक्षधर, वर्णाश्रम के पक्षधर, वेदादि शास्त्र के मर्मज्ञों के हाथ में भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व ना रहे। गांधी जी ले आए गए, उसके बाद विनोबा जी ले आए गए, उसके बाद दलाई लामा जी ला कर रख दिए गए, क्या है, वैदिक परंपरा के आचार्य भारत का नेतृत्व करेगा। एक उदाहरण और देता हूँ, श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद बहुत मार्मिक विषय है, सावधान, इंद्र के लोकसभा में आजकल की भाषा में पार्लियामेंट में
कम से कम आजकल सुमित्रा महाजन जी को जितना अधिकार है उससे तो अधिक अधिकार बृहस्पति जी का था या नहीं? इंद्र की लोकसभा में बैठने का अधिकार था या नहीं? वो तो देवराज इंद्र तो देवगुरु बृहस्पति थे। कम से कम आजकल जितना अधिकार सुमित्रा महाजन को है उससे तो अधिक अधिकार था ही बृहस्पति जी का। लेकिन बृहस्पति जी इंद्र की सभा में बैठे, इंद्र ने हाथ भी नहीं जोड़ा, गाली नहीं दी। अपमान दो ढंग का होता है, सम्मान न करना भी अपमान है, और एक गाली वाली दे देना, चांटा दिखा देना, आँख तरह देना, वो तो भयंकर अपमान है। कुछ ये सब नहीं, केवल सम्मान नहीं किया। इंद्र नहीं उठे तो देखा देखिए और कोई नहीं उठे। देवगुरु बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया, चुपचाप चले आए, अशुभ चिंतन नहीं किया। फिर सोचा कि इंद्र आखिर तपस्वी है, शतक क्रतु है, बुद्धिमान है, थोड़ी देर में चेतेगा, पश्चाताप करेगा, तब मनाने आएगा, लेकिन इसके प्रमाद का फल इसको मिलना चाहिए। तो मनाने आएगा, उससे पहले मैं क्या करूं, अंतर्धान हो जाऊं। श्रीमद् भागवत का छठा स्कंध, उन्होंने क्या किया, अपने आप को तिरोहित कर दिया, योग बल से छिपा दिया। अब आप थोड़ा, पूरा प्रकरण मैं नहीं कह रहा हूँ, बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया इंद्र को, कूटनीति का प्रयोग करके विघटन नहीं किया, भेद नीति का प्रयोग नहीं किया, सेना का फरन नहीं किया, संपत्ति का फरन नहीं किया, केवल अपना वरद हस्त तिरोहित कर लिया, यही न किया, और तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन आप भागवत उठा के देखिए, छठा स्कंध, ये सब तो आजकल कथावाचकों के कुछ मतलब की चीज़ नहीं, बड़ी विकट बात है। अच्छा है कुछ ब्राह्मण लोग जिनको कोई आजकल हाथ जोड़ने वाला नहीं, कुछ गा के बजा के भगवान नाम करके भी अगर अपना पेट पाल लेते हैं तो मैं उसका खंडन नहीं करता। आखिर गाली तो नहीं देते हैं भागवत के नाम पर, माने आजकल जब ब्राह्मणों की ऊपर की बेटी और ऊपर की बेटी और सबको पसंद है, ऊपर की जीविका भी सबको पसंद है, बड़ी विचित्र बात है। यानी ब्राह्मणों की जीविका फरण करने के लिए, ब्राह्मण की बेटी को लेने के लिए सब तैयार हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण अगर गाके बजा के भी अपना किसी तरह पेट पाल लेता है तो मैं बुरा नहीं मानता, गाली तो नहीं देता होगा ना, कम से कम रसिया सुना के भगवान नाम का कीर्तन करके ही तो जनता को रिझा करके अपना परिवार पालता है, चलो ये भी ठीक। लेकिन हमने कहा कि कुछ भी नहीं किया, परंतु देवराज इंद्र ने पश्चाताप के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी के परामर्श से विश्वगुरु को आचार्य बनाया। संबंध में छोटे, आयु में छोटे, लेकिन तेजस्वी तपस्वी विद्वान, किसको, विश्वरूप को। अंत में विश्वरूप को मारने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर उधर आ गया वृत्रासुर, भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त किया, भगवान विष्णु एक और, ब्रह्मा जी एक और, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन न होना एक और। और मान सरोवर में दार्शनिक सिद्धांत है कि मान सरोवर में भूखे बने रहे, अग्नि का और वाक इंद्री का विरोध है ना, वाक इंद्री के देवता अग्नि है, पानी में विरोध है ना अग्नि का, वहाँ भूखे बने रहे, इतना कष्ट सहा। इससे निकलता है भगवान विष्णु भी कदाचित साथ दे दें, ब्रह्मा भी साथ दे दें, लेकिन गुरु का स्वच्छ मार्गदर्शन तिरोहित हो जाए और देवराज इंद्र जैसा तपस्वी, त्यागी, वर्चस्वी, मेधावी, शतक्रतु भी 1000 वर्ष तक कम से कम भटकता ही रहेगा। अंग्रेजों की कूटनीति कि भारत से परंपरा प्राप्त आचार्य की छत्र छाया लुप्त कर दो, नेहरू जी को खड़ा कर दिया बाबाओं को कांग्रेसी बना दो, अशोक सिंघल को खड़ा कर दिया बाबाओं को भाजपा ही बना दो, ये हुआ ना। इसका मतलब राजनीतिक दलों के एजेंट बना दो, प्रचारक बना दो। और मैं तो 25 वर्षों से विपत्ति, तो क्या ये तो संपत्ति, इतिहास की रचना के लिए जो कष्ट मिलता उसका नाम तो वरदान है। मतलब वो हमारी स्थिति तो ये है, यद्यपि हम हारने वाले नहीं हैं, जोरावर और फतेह सिंह की बात थी, मुसलमान होना स्वीकार करते हो या नहीं, नहीं तो दीवाल में चुन दिए जाओगे। अभी एक सीट केवल हमारी रिजर्व हुई, ऐसी सेकंड में कोई शंकराचार्य यात्रा करते होंगे पुरी से, वो भी पुरी से हमको पटना आना था। एक महानुभाव 5-6 व्यक्ति थे, एक सीट उन्होंने दे दी, स्वामी जी को स्लीपर कोच में जाके लेटना पड़ा। माने शंकराचार्य को ये भी नहीं कि हमारे लिए और हम ही
बोगी लग जाती है और शंकराचार्य के लिए। पुरी के शंकराचार्य ने किसी इनको मार दो, जला दो, पागल बना दो, गद्दी से हटा दो, किसी न किसी राजनीतिक दल के द्वारा उच्छिष्ट बना दो, नहीं तो फिर दिखा दो कि क्या होता है। तो बहुत यातना मिलती है, ये मत समझिए कि भारत स्वतंत्र है तो हमने कहा अंग्रेजों की कूटनीति। लेकिन अंत में हम संकेत करते हैं, एक भी अगर कोई मान लीजिए आचार्य शासन तंत्र की दास्ता स्वीकार करने से मना करते हैं और अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं तो व्यासपीठ के शोधन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब तुम्हारे डाके को न आसे तुम्ही एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जब तुम्हारे डाके को न आसे तुम्ही एकला चलो रे। तो व्यासपीठ में अगर बीज रूप से एक भी मंडन मिश्र जी आदि तो थे, लेकिन एक शंकराचार्य खड़े हो गए उनके साथ, चार दस, आठ दस तो उनके सन्यासी थे और आठ दस विद्वान उनके साथ हो गए, कुल मिला के 25-30 व्यक्तियों से उन्होंने क्रांति ला के खड़ा कर दिया। तो हमने कहा कि व्यासपीठ में एक भी अगर कोई दो भी व्यक्ति विकृत होने से बचे हैं तो चलेगा। इधर शासन तंत्र में तो आज के प्रवचन का सार हुआ किसानों का बहुत महत्व है और कृषि कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए अधिक सबके अधिकार की सीमा में है, गोरक्ष का भी सबके अधिकार की सीमा में है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर कोई किसी का नहीं रह जाता। इसका उदाहरण एक देता हूं और आज वेदा स्तुति को नमस्कार करता हूं, कृषि स्तुति को ही प्रणाम करता हूं विशेष रूप से। एक हुए हैं मुरारजी देसाई, वो कहते थे कलम की एक नोक पर भारत को जरा स्वतंत्र होने दो, वो हत्या बंद कर दूंगा। जब वो प्रधानमंत्री हुए तब पूज्य गुरुदेव हमारे कुछ रुग्ण थे, हम लोगों को भेजा, हमारे नेता तीन थे उन दिनों में, इस पद पर नहीं था, जोशी पीठ के शंकराचार्य महाभाग, पूरी पीठ के मान्य शंकराचार्य महाभाग और जो रामराज परिषद से सांसद रह चुके थे नंद लाल शास्त्री जी, जिनका संन्यास का नाम था नंद नंदनानंद सरस्वती, नौ सात नकार है इस नाम में, नंद नंदनानंद सात नकार से युक्त नंद नंदनानंद, इन तीनों को मोरारजी देसाई ने बातचीत करने का अवसर दिया। मोरारजी देसाई का वाक्य क्या था मालूम है? आप महानुभाव इतने बड़े होते हुए भी ये भूल जाते हैं कि हम कसाईयों के भी प्रधानमंत्री, भी का अर्थ ही हुआ या नहीं, तो किसान वहां जाकर किसान रह जाता है क्या? क्या वनवासियों का हित चाहने वाला वहां जाकर वनवासियों का हित रहे हितैषी रह जाता है क्या? राम जन्मभूमि के नाम पर जो जो आए बाबा वेश में बाबी वेश में सांसद बन गए, मंत्री बन गए, कोई राम लला के हुए क्या? सब विरोधी बन गए, इसका मतलब कुएं में भांग पड़ी है। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया कि सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से पहले देश की सचमुच में मूल समस्या क्या है, उसके समाधान का स्वरूप क्या है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, होता क्या है, जो जिस विभाग से पीड़ित है, जो जिस विभाग में पड़ा हुआ है, वो समझता है कि हमारे विभाग की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है, मूल समस्या पर ध्यान जाता ही नहीं, मूल समस्या कुछ भी नहीं है, ये सब जो हम गंगा की समस्या मूल समस्या नहीं, यमुना की समस्या मूल समस्या नहीं, गोवर्धन टूटने की समस्या मूल समस्या नहीं, मूल समस्या है व्यासपीठ और शासन तंत्र में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक सामंजस्य नहीं, इसके मूल में अंग्रेजों की कूटनीति काम करती है। अंत में एक और वाक्य बोलता हूँ, परंपरा प्राप्त क्षत्रिय या राजवंश का विलोप हो जाने पर भी अंग्रेजों ने वैकल्पिक राजवंश को अक्षुण रखा है। एलिजाबेथ या एलिजाबेथ को विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन करने का अवसर प्राप्त है या नहीं? परंपरा प्राप्त व्यास गद्दी और ब्राह्मण का विलोप है, वर्णशंकर वहां पर सब हैं, फिर भी पोप महोदय को जो सम्मान है भारत में, शंकराचार्य को कोई गिनता है, सम्मान है क्या? इसका अर्थ क्या है? कल ही दिनेश जी से एकांत में बात हुई, वो जब आते हैं तब सबके सामने भी पे लगभग एक घंटा एकांत में बात हुई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो शंकराचार्य को ले राम जन्मभूमि को लेकर बात हुई, लेकिन मैं जानता हूँ एक दो वाक्य मैंने कहा, शंकराचार्यों की गद्दी को लेकर जो कुचक्र चल रहा है, हमको तो लगता है जितने विश्व के आतंकवादी हैं उनके सरगना अब शंकराचार्य बनेंगे, माने एक एक डाकू खूनी लोग शंकराचार्य बने, ये अभियान चलाया जा रहा है भारत में, नोटों के बल पर, वोटों के बल पर, ही नोटों के बल पर, रिवाइवल के बल पर,
शंकराचार्य के पद को आप छीनो, अगर कोई सात्विक व्यक्ति रह गया है मार दो, पागल बना दो, भगा दो। यहाँ तक कूटनीति स्वतंत्र भारत में चल रही है कि कोई शंकराचार्य ऐसा न रह जाए जो हमारा गुलाम न हो। तो बहुत भयंकर षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को समझते हुए सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से तो आपने कहा कि आपके पास आया हूँ, तो संकल्प कीजिए। संकल्प बहुत पहले से है, और यही नहीं जब पलने पर था तब से संकल्प है, मुझे मालूम है। इस वेश में भी आया, ये भी मैं सुना ही दूँ सिरोही जी को, जिसके लिए मानव जीवन प्राप्त होता है, वेदना प्राप्त होकर जन्मभूमि का त्याग हुआ, भगवान ने कराया। दिल्ली को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से मुझे उस दुर्लभ वेदांत विद्या की प्राप्ति सूर्य भगवान से हुई। सच्ची बात है, गणित की प्राप्ति तो पूरी में भगवान सूर्य की कृपा से हुई। पूरा वहाँ जो हिरण्य गर्भ है ना, सारे लाइब्रेरी, सारे पुस्तकालय, ज्ञान विज्ञान का भंडार हिरण्यमय सूर्य मंडल में, वहाँ से लेकर मर्त्यलोक तक रश्मियों ने मुझे घेर लिया पूरी में। वो गणित राशि तो भगवान सूर्य की कृपा से, मैं उनका शिष्य भी हूँ और बचपन से यज्ञोपवीत के समय से उनको मित्र भी मानता हूँ, क्योंकि चक्षुर मित्र से हमारे बड़े अग्रज 25 साल बड़े थे, अब नहीं रहे, एक साल पहले उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। मैंने कहा चक्षुर मित्र से क्या क्या अर्थ है, भगवान सूर्य तुम्हारे मित्र हैं, सबके मित्र हैं। तब से मैंने सूर्य को मित्र माना, अब तो मैं उनको गुरु ही मानता हूँ, दुर्लभ विद्या उन्हीं से मुझे प्राप्त हुई। लेकिन सच्ची घटना इस वेश में कैसे आया, तो तिब्बिया कॉलेज है करोल बाग में दिल्ली में, एक छत पर जहाँ घूम रहा था, कोई गणित की या किसी साइंस की पहेली सुलझा रहा था, नीचे जमीन पर 2 मंजिल नीचे मैदान में गढ़वाली बच्चे रामलीला कर रहे थे। यही अश्विन का महीना था, विलाप के स्वर आए माइक से, अनुमान लगा कि दशरथ जी विलाप कर रहे हैं, राम जी वनवासी होने जा रहे हैं, चलना फिरना बंद हो गया। अच्छा, हमारे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकृति से भी जो पर हैं, जिन तक वेदना की पहुंच नहीं हो सकती, सुषुप्ति में ही हम आप तक तीनों ताप की पहुंच नहीं होती, तो प्रकृति से पर जो राम हैं वहां तक वेदना की पहुंच नहीं हो सकती, वे दंडक वन में विहरण करने के लिए स्वयं वनवासी होने जा रहे हैं, वो तो हो चुके न। तो भगवान राम ने, जिनके हम पुजारी हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, करुणा वरुणालय हैं, वो हमारे प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए 14 वर्षों के लिए अपने आप को वनवासी बना दिया, तो हमको क्या करना चाहिए। उसी समय संकल्प हुआ, न हम राम कौन बने थे वहाँ नीचे, न दशरथ कौन थे, क्या केवल शब्द पहुँचा, मैं कोई प्रत्यक्ष दर्शक नहीं था। तो ठीक है, अब जितना अंतिम सांस तक मान बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रभु राम समर्पित करता हूँ, मेरे संकल्प को आप पूर्ण करें। बस चुपके से रात बीती, कपड़ा एक सूख रहा था उसको लिया, और मान बिंदु की रक्षा के लिए शेष जीवन आज मुझे भगवान राम ने शंकराचार्य का पद दिया है, समझ गए, तो सकाम समझ लीजिए। लेकिन मेरा जो इस वेश में आना है वो मान बिंदुओं की रक्षा के लिए। एक मनोविज्ञान सुनाता हूँ, ध्रुव जी को भगवान तो प्राप्त हो गए और भगवान की प्राप्ति से निष्काम भी हो गए, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरी ओर चलते समय जो संकल्प होता है वो अमित प्रारब्ध बन जाता है, तुमको तो राज्य करना ही है, तो मैं कोई राजाधिराज बनने के लिए नहीं, मान बिंदुओं की रक्षा के लिए ही शेष जीवन समर्पित करता हूँ। तो ये ईमानदारी की बात है कि मान बिंदु की रक्षा के लिए ही इस वेश में मैं आया, अंतिम सांस तक वो करता ही रहूँगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब देश के हिमायती हैं, पक्षधर हैं, उत्कर्ष को चाहते हैं, लेकिन सचमुच में देश की समस्या को समझने और उसको दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर सामंजस्य साध करके दूर करने की आवश्यकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक ब्रह्म वाक्य दिया, उन्होंने कहा भविष्य में नास्तिकता बहुत फैलेगी, विसंगतियां बहुत फैलेंगी, लेकिन ध्यान रखना श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध के काम करना, दिग्विजयी हो जाओगे। इसका अर्थ होता है दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके हम चलें तो विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव। आप महानुभावों का अभिनंदन।
और सब जो किसी विभाग के महानुभाव आए हैं सब प्रसन्न रहें और जिस विभाग में जो लगे हैं उस विभाग को थामे रहें। हर हर महादेव।